हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 6 में लेट्स रीड मोर का यूनिट नंबर 2 प्रोज में ब्यूटीफुल बर्ड्स के बारे में समझेंगे। यूनिट का नाम है ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल बर्ड्स यानी कि सुंदर पक्षी। आप अपने आसपास के वातावरण में कई सारे पक्षी देखते होंगे, उसमें से कुछ आप जानते होंगे उनके बारे में, कुछ कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ आपको सुंदर लगते होंगे, कुछ सुंदर नहीं लगते होंगे। किसी की आवाज़ आपको पसंद होगी, किसी की आवाज़ आपको नहीं पसंद होगी। वैसे अलग अलग प्रकार के पक्षी हमारे आसपास के वातावरण में देखे जाते हैं। उसके अलावा कई पक्षी हम जंगल में देखते हैं, कई घर के नज़दीक देखते हैं, कुछ पक्षी हम तालाब के पास देखते हैं, नदी के पास देखते हैं, कुछ पक्षी हम रात को देखते हैं, दिन को देखते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह हम अलग अलग पक्षियों को देखते हैं। वैसे ही कुछ सुंदर पक्षियों के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, उसको हमें समझना है, उनके बारे में हमें जानना। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि पक्षी सब सुंदर होते हैं। द फ्लाई इन द स्काई, वे आकाश में उड़ते हैं। फ्लाई यानी उड़ना, स्काई यानी आकाश। दे लिव इन द ट्रीज, वे पेड़ों पर रहते हैं। दे सिंग स्वीट सॉन्ग्स, वो मीठे मधुर गीत गाते हैं। चिल्ड्रन टू सिंग, बच्चे भी गाते हैं। ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटे पक्षी, फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ जाओ। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। टीच मी टू फ्लाई, मुझे भी उड़ना सिखाओ। ऐसी एक छोटी सी पोएम उसके रिलेटेड दी गई है। छोटा बच्चा है, वो कहता है कि वो छोटे पक्षी तुम आकाश में उड़ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और मुझे भी तुम उड़ना सिखाना। वी फाइंड बर्ड्स एवरीवेयर, हम चारों ओर पक्षियों को देखते हैं। दे लिव इन विलेज, टाउन एंड सिटीज, वे गांव में, नगर में, शहर में रहते हैं। टाउन यानी नगर, सिटी यानी शहर। दे लिव इन अ फॉरेस्ट एंड ऑन माउंटेन, वो जंगल में या फिर पर्वत पर रहते हैं। सम वाटर बर्ड्स लिव नियर लेक्स, कुछ जल पक्षी तालाब के पास रहते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की में से बाहर देखो। यू विल सी बर्ड्स और टू, तुम्हें एक या दो पक्षी जरूर दिखे। वॉच देम केयरफुली, उनको ध्यानपूर्वक देखो। लुक एट देयर कलर, शेप एंड साइज, उसका रंग, आकार और कद को देखो। शेप यानी आकार, साइज यानी कद। सम बर्ड्स आर स्मॉल, सम आर बिग, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट कलर्स, पक्षियों के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि पैरोट्स आर ग्रीन, यानी कि जो तोता होता है वो हरे कलर का होता है। डव्स आर ग्रे, कबूतर ग्रे कलर यानी राकोटी कलर का होता है। क्रोव्स एंड कॉक कुकोस आर ब्लैक, यानी कि कौवा और कोयल काले कलर के होते हैं। देर मे बी सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सामने कुछ पेड़ होंगे। सम ट्रीज मे बी बिहाइंड योर स्कूल, कुछ पेड़ आपके स्कूल के पीछे होंगे। यू मे गो देयर विथ योर फ्रेंड्स, यू मे गो यानी कि तुम जाओ देयर वहाँ पर विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र के साथ। कीप योर नोटबुक विथ यू, तुम अपने साथ कॉपी को रखो। सिट इन अ क्वाइट प्लेस, शांत वातावरण में बैठो। वॉच एवरीथिंग अराउंड यू क्वाइटली, वॉच यानी कि देखो। एवरीथिंग सब कुछ
अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर क्वाइटली, यानी कि शांति से तुम उसको देखो। लुक इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे आगे देखो। लुक बिहाइंड द प्लांट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पौधे के पीछे या फिर पेड़ों की डाली पर देखो। वॉच द बर्ड्स, पक्षियों को देखो। नॉट देयर कलर, उनके रंग, शेप, आकार एंड साइज, कद का नोट करो, यानी कि उसको लिखो, नोट करो उसका। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम को ढूंढो। बट बी केयरफुल, लेकिन ध्यान रखना। डोंट मेक अ नॉइस, आवाज़ मत करना। डोंट डिस्टर्ब देम, उनको परेशान मत करना। सम बर्ड्स में जस्ट फ्लाई ओवर योर हेड, कुछ पक्षी तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़े हैं। वॉच देम टू, उनको भी देखो। यानी आपको जब भी किसी पक्षी को वो ऑब्जर्व देखना हो, तो चुपचाप आप अपने नोटबुक लेकर उसको लिखते जाओ। जरा से भी अगर आप आवाज़ करोगे तो वो पक्षी उड़ जाएगा। इसलिए अगर पक्षियों का निरीक्षण करना हो तो खास आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप बिना आवाज़ किए चुपचाप उसका निरीक्षण करो। उसके बाद हियर आर द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू बर्ड्स, यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। डू यू नो देम, आप उनको पहचानते हो? यानी कि आपके आसपास के वातावरण में से कुछ पक्षियों के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। शायद आप उनको पहचानते हो, नहीं भी पहचानते हो, फिर भी आपको ये माहिती समझकर दूसरे पक्षियों को भी वैसी डिटेल्स आपको ढूंढनी होगी, ताकि आपको पक्षियों के बारे में जानकारी मिले। पहले है, हियर इज अ वुड पेकर, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेक। यहाँ पर पहले है वुड पेकर, वुड पेकर यानी लकड़पोत। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेक, उसकी मजबूत चोंच होती है। इट पिक्स इट्स बैक ऑन अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, वो पेड़ के तना पर, थड़ पर अपनी चांच मारता है। इट कैन मेक अ होल इन इट्स विथ बैक, वो अपनी चोंच से वहाँ पर छेद कर देता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ओवल, क्या उल्लू का चित्र है। इट हैज़ अ बिग राउंड आईज एंड अ स्मॉल बिग, उसकी एक बड़ी आंखें होती है और बड़ी गोल आंखें होती है, एंड अ स्मॉल बिग, और छोटी चोंच होती है। इट इज़ अ बर्ड ऑफ नाइट, वो रात्रि पक्षी है। सम पीपल डिसलाइक द ओवल, कुछ पक्षी उल्लू को पसंद नहीं करते हैं। बट इट इज नॉट अ बैड बर्ड, लेकिन वो एक खराब पक्षी नहीं है। इट इज़ अ हार्मलेस, वो निरुपद्रवी पक्षी है। आगे, डू यू नो दिस बर्ड, आप इस पक्षी को जानते हो? इट इज़ पेलिकन, यह एक पेलिकन पक्षी है। इट इज़ अ वाटर बर्ड, वह जल पक्षी है। इट लिव्स नियर बिग लेक्स, वह बड़े तालाब के पास रहता है। द बैक ऑफ द पेलिकन इज़ वेरी लार्ज, पेलिकन की जो चोंच होती है इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ी होती है। इट कैन होल्ड अ लार्ज फिश इन इट, वो उसमें लार्ज बड़ी मछली को भी पकड़ सकता है। द पेलिकन इज अ बिग बर्ड, पेलिकन एक बड़ा पक्षी है। सम पेलिकन्स आर 4 फीट लॉन्ग, कुछ पेलिकन 4 फीट लंबे होते हैं, यानी कि एक बड़ा पक्षी जो हमें दिखा देखने को मिलता है उसके बारे में। पेलिकन को आपने देखा ही होगा। नाउ लुक एट दिस बर्ड, अब इस पक्षी को देखो। व्हाट इज इट डूइंग, यह क्या कर रहा है? इट इज वेविंग इट्स नेट्स,
वो अपना जो घोंसला है वो बुन रहा है। वेविंग यानी बुनना, इट इज़ अ वेवर बर्ड, यहाँ वेवर बर्ड है यानी कि इसको सुगरी कहा जाता है। इट वेव्स इट्स नेट्स विद सॉफ्ट स्ट्रोक एंड लीव्स ऑफ ग्रास। वो अपना जो घोंसला होता है वो सॉफ्ट स्ट्रोक्स यानी कि जो मुलायम स्ट्रोक्स होते हैं घास के जो तन तीन के उससे, एंड लीव्स ऑफ ग्रास और घास के पत्तों से वो अपना घोंसला बुनता है। इट्स नेट इज रियली ब्यूटीफुल, उसका घोंसला सच में सुंदर होता है। मीट दिस ब्यूटीफुल बर्ड, इस सुंदर पक्षी से मिलो। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, यह गुजरात का राज्य पक्षी है। इट इज़ ऑल्सो अ वाटर बर्ड, यह भी एक जल पक्षी ही है। वाटर बर्ड यानी जल पक्षी। इट हैज़ लाइट पिंक फेदर्स, उसको लंबे गुलाबी पंख पीछे होते हैं फेदर्स। इट हैज़ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, उसकी जो डॉक होती है जो गला होता है वो लंबा होता है और पैर भी लंबे होते हैं। इट कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबे अंतर तक उड़ सकता है। इट इज़ अ फ्लेमिंगो, वो सुरखाब है। इंडिड बर्ड्स आर लवली, इंडिड मीन्स सच में बर्ड्स आर लवली, पक्षी सुंदर होते हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हमारे मित्र। तो इस तरह यह यूनिट ख़त्म होता है, हमने पांच पक्षियों के बारे में जाना। आप भी अपने आप ऐसे ढेर सारे पक्षियों के बारे में माहिती ले सकते हो और पक्षियों के बारे में जानते हो जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, खाली जगह है और ट्रू और फॉल्स है, ओके। और एक ड्राइंग आपको बनाना है। पहले है, रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट द नेम ऑफ द बर्ड, राइट इन द ब्लैंक। जो पांच पक्षियों के नाम हमने देखे उनके रिलेटेड यहाँ पर खाली जगह दी गई है, आपको पहचानना है कि कौन सा पक्षी उसमें आएगा। इट कैन सी इन द डार्क विथ इट्स बिग राउंड आइज, उसमें आएगा ओवल उल्लू। इट पिक्स इन द वुड एंड मेक्स द नेस्ट, उसमें आएगा वुड पेकर। इट कैन होल्ड फिश इन इट्स बेक, उसमें आएगा पेलिकन। इट वेव्स द वे नेस्ट विद सॉफ्ट स्ट्रोक्स एंड लीव्स ऑफ द ग्रास, तो कौन बुनता है, तो वेवर बर्ड्स, आंसर आएगा वेवर बर्ड। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, तो लास्ट में हमने देखा फ्लेमिंगो, ओके। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, द बर्ड्स लिव इन सिटीज, पहले में आएगा फॉल्स। क्रोव्स एंड कुकोज आर ग्रे, तो उसमें भी आएगा फॉल्स। अ पेलिकन कैन मेक अ होल ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, उसमें भी फॉल्स आएगा। अवेवर बर्ड इज अ बर्ड ऑफ नाइट, उसमें भी फॉल्स आएगा। डोंट मेक अ नॉइज, द बर्ड्स मे कम टू यू, उसमें भी फॉल्स आएगा। यानी कि पांचों के पांचों वाक्य में एफ आपको लिखना। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड, यहाँ पर आपको अपने मन पसंदीदार पक्षी का चित्र बनाना। यहाँ पर यूनिट नंबर दो हमारा खत्म होता, ओके, थैंक यू।